निविदा दस्तावेज आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारी की सेवाएं हेतु भर्ती निकाली गई है दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। मध्य प्रदेश की एक और नई भर्ती लेकर आपके साथ आ चुके हैं। जिले में निकले निर्वाचन आयोग विभाग में भर्ती है तो किस प्रकार से आवेदन करना है, नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड होगा, संपूर्ण जानकारी देंगे। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। एंड यहाँ पर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर हम आ चुके हैं कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दिव्यांग अधिकारी देवास में यह भर्ती निकली है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं मूल्य आपका 2000 रुपए, केवल 2000 रुपए नोट बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत ईएमडी एमडी केवल स्वीकृत बैंक द्वारा की जाएगी। 2000 की आपकी आईडी थी। आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारियों की सेवा हेतु निविदा, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं www.devas.nic.in पर देखी जा सकती है इसकी जानकारी। यहाँ पर इसके आवेदन दोस्तों 23/12/2024 को दोपहर 3 बजे तक आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसकी लास्ट डेट जो है वो दोस्तों 23/12/2024 इसकी लास्ट डेट है। निविदता ऑनलाइन की प्रस्तुत होगी। प्राप्त निविदताएं दिनांक 24/12/2024 निविदताएं करो ऑनलाइन खोली जाएगी। फिर उसके बाद इसकी लॉटरी निकलेगी, यानी इसकी मेरिट लिस्ट बनेगी जो कि 24/12/2024 को दोपहर 3 बजे देखी जाएगी। आप इसे देख सकते हैं www.devas.gov.in पर देख सकते हैं। अगर हम बात करें कार्यालय कलेक्टर में जिला निर्वाचन अधिकारी में जो भर्ती निकली है, कौन कौन से पद पर भर्ती निकली है तो उसकी जानकारी हम आपको बता देते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश के भोपाल पत्र क्रमांक द्वारा निर्वाचन कार्यालय रजिस्ट्री एवं सहायक रजिस्ट्री अधिकारी के लिए आउटसोर्स के माध्यम से सहायक प्रोग्रामर, डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा भर्ती के पदों पर कर्मचारियों की सेवाएं प्रदान किए जाने हेतु भारत सरकार मध्य प्रदेश शासन द्वारा पंजीकृत अनुभवी शासकीय अर्ध शासकीय निजी अनुभवी संस्थाओं उपक्रम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। निविदता कराया तथा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि अगर समय की बात करें दोस्तों तो 13/12/2024 को इसकी होगी। और निविदा खुलने की दिनांक आने की लॉटरी कब खुलेगी उसकी दिनांक है 24/12/2024 मंगलवार 3 बजे जिला निर्वाचन कार्यालय देवास। शर्त की अगर हम बात करें दोस्तों तो इच्छुक संस्थाएं द्वारा निविदा प्रपत्र वेबसाइट पर देखी जा सकती है और डाउनलोड यहां पर आप कर सकते हैं। प्रत्येक निविदता के साथ अमानत राशि के रूप में 50,000 रुपए जमा करना अनिवार्य होगा। निविदता शुल्क तथा पोर्टल शुल्क निविदाकार द्वारा देय होगा। निविदा दो बोली प्रमाणी होगी दोस्तों। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपकी जो है वो क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और कहाँ पर कितने पद हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय में अगर हम दोस्तों बात करें तो सहायक प्रोग्रामर के 1 पद देखने को मिल जाएगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 2 पद देखने को मिल जाएगा, भर्ती का 1 पद देखने को मिल जाएगा। कलेक्टर दर पर इसका जो है वो वेतन दिया जाएगा और भर्ती आउटसोर्स के माध्यम से। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय विधानसभा 5 में बात करें दोस्तों सहायक प्रोग्रामर के 5 पद हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 10 पद देखने को मिल जाएगा और इसमें भर्ती का कोई पद नहीं। सहायक रजिस्ट्री कार्यालय में अगर हम बात करें दोस्तों तो केवल डाटा एंट्री ऑपरेटर के 5 पद देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। या अगर हम पूरे जिले में बात करें तो सहायक प्रोग्रामर के 6 पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 17 पद और भर्ती का केवल 1 पद देखने को मिल जाएगा। सैलरी आपको कलेक्टर दर पर मिल जाएगी और भर्ती नियुक्ति का प्रकार जो है वो आउटसोर्स के माध्यम से। सहायक प्रोग्रामर की अगर हम योग्यता की बात करें दोस्तों तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमसीए एमए एमएमसी गणित सांख्यिकी इलेक्ट्रॉनिक विषय की स्नातकोत्तर उपाधि के साथ पीजीडीसीए या किसी अन्य प्राप्तता इंजीनियरिंग महाविद्यालय से बीआई की में उपाधि उत्तीर्ण परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के अंकों के सहित स्नातक किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्राम में न्यूनतम अवधि 1 वर्ष अवधि का डिप्लोमा प्रमाण पत्र 100 की डिप्रेशन प्रति घंटा की आयु की स्पीड देखी जाएगी। उसके बाद भर्ती की बात करें तो इसमें आपकी योग्यता जो है वो 8वीं पास रहेगी। अगर हम बात करें कि सेवा प्रदान संस्था के लिए अपेक्षित निम्नलिखित दस्तावेजों की सत्यापति क्या क्या है, इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा तो उसमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। आवेदन किस प्रकार से करना है वो आपको देव बता दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको आवेदन पत्र देखने को मिल जाएगा। इस आवेदन पत्र को भरकर आपको जो है वो भेज देना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करते हैं तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर पर सर्च करना होगा जिला देवास, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं जिला देवास। जिला देवास लिखकर आप जैसे ही सर्च करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो जिला देवास की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपके सामने डिस्ट्रिक्ट देवास की पूरा होम पेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि ग्राम पंचायत सचिव के दिव्यांगजन की भर्ती में शुद्धता पत्र आया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारी की सेवा है तो निविदता, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने जो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, एक बार नोटिफिकेशन को रीड करिए, अगर आवेदन करना चाहते हैं तो जरूर से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।